मेरी लाश रख ली तूने, मेरी लाश रख ली। शंकर, तुमसे मिलने तुम्हारी बीवी आई है। पार्वती, बच्चा। मैं भी आया। जरा साहब, मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर आई है। वो मेरा पहला बच्चा है, मैं उसे गोद में लेना चाहता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, जाओ। आपको भगवान 100 साल की उम्र थे। मेरा बेटा बिल्कुल बाबूजी पर गया है ना। बाबूजी कैसे हैं? ठीक है। पार्वती, मैं कितना बदनसीब हूं, ना तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति बन सका, ना इस बच्चे के लिए एक अच्छा बाप। ऐसा मत कहिए। इस वक्त मेरी हालत ऐसी है, मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं हूं। तुम कैसे हो? बस जिंदा हूं, एक एक दिन आपकी यादों में बिता रही हूं। हर रात यही सोचती हूं कि आपकी सजा नहीं, मेरी सजा है। ऐसा क्यों हुआ? नहीं बोलते मत रो। शंकर, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। हाँ, पार्वती। बच्चे का ख्याल रखना, बाबूजी का ख्याल रखना। चलो शंकर। हाँ। बाबूजी, हम आपको एक खुशखबरी देने आए। हमने सेठ दुर्गा प्रसाद का सारा कर्जा सूद समेत चुका दिया है। सच? हाँ भाभी। बबल, तू ये ऐसा कर नहीं सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जिंदगी में पहली मर्तबा को अच्छा काम किया है। शंकर सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। हाँ बाबूजी, आज तक इस घर में जो कुछ भी होता रहा है सिर्फ दादू की खुशी के लिए होता रहा है। यानी कि हमने आपकी सारी जमीन और जायदाद जमनादास के हाथ बेच दी, और ऊपर से 10 लाख रुपए भी ले लिए। मगर तुम कैसे बेच सकते हो? वो सब तो शंकर के नाम है। दादू के जाली दस्तखत करके। यही मानो, निकल जाओ घर से बाहर। बाबूजी, निकलना तो अब आपको पड़ेगा यहाँ से। तुम्हारे भाई को जेल से आ जाने दो, फिर हम खुद चले जाएंगे। देखो भाभी, अब इज्जत इसी में है, कल तक बाबूजी को साथ में लेके किसी झोपड़े में चली जाओ, वरना पुलिस धक्के मार मार के आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देगी। पुलिस की धमकी देता है? साला बुड्ढा। बाबूजी, दादाजी, बाबूजी, दादाजी, कुछ बोलिए ना बाबूजी, बाबूजी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से सरकार ने तुम्हारी बाकी सजा माफ कर दी है। आज तुम रिहा किए जाते हो। लो, यहां दस्तखत कर दो। बाबूजी, पार्वती कहां चले गए सब? बाबूजी, कौन है आप? मगर आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूं भाई। घर के मालिक? इस घर के मालिक तो मेरे बाबूजी है, गंगा प्रसाद जी। अच्छा, तो तुम उनके बेटे हो? जी। लेकिन ये घर तो बिक चुका है, मैंने सेठ जमनादास से खरीदा है। बिक चुका? हाँ। तो फिर मेरे बाबूजी मेरी बीवी कहाँ? भाई उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, आस पड़ोस में पता लगा, कोई बता सकता है शायद।
शांत कर बेटी, तुम कैसे हो, कब आए? वहां घर में कोई नहीं, कहां चले गए सब? सब क्या हो गया? तुम्हारे भाइयों ने पैसों के लालच में जमीन जायदाद सब बेच डाली, सबको घर से बेघर कर दिया। मेरे भाइयों ने सब कुछ बेच डाला, ये कैसे हो सकता? बाबूजी किधर है? बाबा अब चुप क्यों? बाबूजी किधर है? बाबा बाबूजी किधर है? तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा कह दीजिए, आपने जो कुछ कहा वो सब झूठ है, कह दीजिए। मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे बाबूजी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। धीरज रखो बेटा, होनी को कौन टाल सकता है? बेटा शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। बाबा पार्वती कहाँ है? मेरा मुन्ना कहाँ है? आप क्या बताऊं बेटे, तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद पार्वती एकदम टूट सी गई। मेरे लाख समझाने पर भी कि तुम्हारे आने तक वो मेरे साथ रहे, उसने इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं गांव में रहकर अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा लोगों की ये ताने सुन सुनकर बड़ा हो कि उसका बाप खूनी है। वो दोनों इस वक्त कहां होंगे? भाई साहब एक ग्लास पानी पिला दीजिए। लो। Oh!